ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਕਰੀਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੱਠੀ ਈਦ ਦੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਕਰੀਦ ਨੂੰ ਈਦ ਉਲ ਅਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। पहले तो मैं सबको सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला बरकातुहु। तमाम शहर वासियों को और हमारे मुल्क भारत में जितने भी रहते हैं तमाम लोगों को आज ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जो हम लोगों ने नमाज़ अदा की है, बहुत ही कम लोग सरकार के मद्देनज़र रखते हुए कानून के मुताबिक हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पर रखते हुए हम लोगों ने नमाज़ अदा की है और शहर के लिए अमन व शांति के लिए दुआ की है कि अल्लाह तबारक व तआला इस शहर के सरहदों को महफूज रखे और इस शहर के जो है जो भी दिक्कतें हैं तमाम इस बीमारी से महफूज रखे, इस बीमारी को जल्द से महफूज दिलाए। ताकि और दूसरी बात यह है कि हम तमाम शहर वासियों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मास्क पहने रहे और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और उसके अलावा जो सैनिटाइज़र आप इस्तेमाल करते रहें। और जो लोग अब की बार ईद उल अज़हा में जो कुर्बानी देते हैं, जो कुर्बानी नहीं दे सके, जो लोग पैसा रखे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, चाहे वो किसी भी मज़हब के ताल्लुक़ रखता हो, आप उसकी भरपूर मदद करें। और जो हजरात हज में जाना चाहते हैं और अब की बार नहीं जा सके, अल्लाह तबारक ताला करे कि आप अगले बार पहुंचिए, लेकिन जो पैसा आपने रखा है वो पैसा, अगर आपके पास इतना ज़्यादा पैसा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों की मदद करें, गरीबों की इमदाद करें। सब तो पहला तो मैं थोड़े चैनल से राही सारे ही देशवासियों, आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार मनाया जा रहा है तो बकरीद की नमाज पढ़ी जा रही है, सारे देशवासियों बकरीद के मौके से इस शुभ दिहाड़ी से बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा जी। अज साडे शहर मोगा में बकरीद की नमाज अदा की गई है, मौलाना जमशेद आलम जी ने बकरीद की नमाज अदा करवाई। तो इस टाइम जो टाइम चल रहा COVID-19 का टाइम चल रहा, इस दे मद्देनज़र रखते हुए सानू कल DC साहब मानयोग DC साहब वालों परमिशन मिली सी 20-20 बंदे की इकट्ठ करके नमाज पढ़न की, तो अभी प्रशासन का पूरा साथ देंदे हुए सेम उस तरह नमाज अदा की। तो अभी प्रशासन का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि सानू उन्होंने नमाज करन दा इजाजत दी। तो असी अज अपने कालसर रोड से ईद की नमाज अदा की है। तो इस ईद की नमाज करने तो बाद असी दुआ की है कि जो COVID-19 टाइम इस टाइम साढ़े देश से चल रहा वै, अल्लाह ताला उस सानू जल्द तो जल्द निजात फरमाए। तो अज कुरबानी का दिन है, अही सारे बंदे मैं सारे बंदे यही अपील करना चाहता, कुरबानी आप किस चीज़ की देनी है, कल बकरे की कुरबानी नहीं होंगी, कुरबानी आप एक दूजे दिलों में नफरत जी लोगों के भरी हुई है वह कुरबानी देनी है, अपने घमंड की कुरबानी देनी है। तो मैं सारे यही अपील करना चाहूँगा कि जिते भी आप नमाज पढ़ते हैं, जोड़े भी शहर नमाज पढ़ते हैं, नमाज पढ़ो तो दुआ करो भी अल्लाह ताला आपू इस बीमारी तो जल्द छुटकारा दे, जो आप अगले साल ईद बकरीद की नमाज जो पढ़ा वह पूरे ही धूमधाम में ईद बकरीद की नमाज पढ़ी जाएगी। सर कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा फैली हुई हैगी है, तुसी इहदे विच देशवासियों नूं की संदेश दे रहे हो? जी मैं एक संदेश देना चाहना अपने देशवासियों नूं, देखो इस टाइम कोरोना वायरस का जो प्रकोप अपने देश दे विच चल रहा, पहला अपने देश दे विच बहुत सेफ सी, बहुत घट गिनती दे मरीज आ रहे थे, इस टाइम अमेरिका तो वध डबल स्पीड नाल अपने देश दे विच कोरोना वायरस के मरीज वध रहे हैं। मैं संदेश यही देना चाहना कि आप पुलिस प्रशासन का तो अपने डॉक्टर का पूरा साथ दईए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगा के रखिए, थां थां ते ना थुकीए, ते जो भी पुलिस प्रशासन कह रहा उन्हां साथ दिंदे होए भी अपने सेफ अपने सेफ्टी पूरी रखिए। प्राइम उदे लई मोगा तों कशिश सिंगला दी रिपोर्ट।